पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी पॉसिबल है। जैसे शहबाज शरीफ अचानक से प्राइम मिनिस्टर बने, वैसे ही पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। आजकल में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जनरल फैज को अवाम के समंदर में देखा गया है। जनरल फैज से वहाँ मौजूद लोग ये कह रहे थे, हमारे लिए अब भी आप, हम चाहते हैं कि सियासत में आकर आप उस मनसब पे पहुंचे ताकि अवाम की इतनी खदमत करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनरल फैज हमीद लतीफाल में चकवाल में वापस आ गया है और पहले से बढ़ चढ़ कर अपनी अवाम की खदमत कर रहा है। कि आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान की सियासत ज्वाइन कर लें। लोगों ने उनसे कहा कि आप सियासत में आकर वही काम करें जो आप फौज में कर रहे थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? आर्मी ऑफिसर ऑफिशियली सियासत का हिस्सा बन सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन उसको रिटायर होना पड़ेगा। रिटायर होने के 2 साल बाद तक कोई भी ऑफिसर पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान चाहे तो ये 2 साल की मुद्दत खत्म कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर सदर आरिफ भी चाहें तो जनरल फैज को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इजाजत दे सकते हैं।